मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सवेरे सवेरे भाई कैटरीना नड़ा रहे गुरप्रीत सिंह जी, नड़ा रही काफी दिन हो गए। हाँ, मैं कहा पहले तब नहीं ता नहीं नड़ाई क्योंकि बीमार ना हो जाए ना, धुप घट निकली थी ना। आज धुप वधी हैगी, आज शाइन मारूगा है कैटरीना। यह मासूम जी बन जाती है, मासूम ही चेहरे रह जाते ने। है क्या क्या कहते बाबा जी, नहाने बड़ी वो होंगी है। हाँ, डरती बहुत है नहाने, पर कहती नहीं कुछ, शरीफ कहती नहीं भाई, शरीफ होती है शरीफ भाई। ये लोकेशन चेक करो आप पहले तो भाई साहब, बाकी वो रह गया बागशाल ब्रिज भाई, तो इसका ब्रिज घरेलू नुस्खा दिखाऊं, ये था खट्टा। तो भाई खट्टा फोर लाइन च लग गया जाम भाई, वो ट्रक वाले है ना भाई, एक बराबर गाड़ी चलाते हैं, दो वेट उठाने, वेट था ज्यादा और मैंने ऐसे उठाया भाई, वो बाजू ऐसे वेट पकड़ा और ऐसे ही नीचे आ गई भाई, इंजरी होगी बाबे जी। मैंने लगता नहीं कि साढ़े नाल का कुत्ता देखी बिलासपुर होगा, है ना, मुश्किल है साढ़े बाबा जी, काम सारे नस्ली है उदा, है जेड़ी चीज रखी प्योर रखी, दल पौना तो दोगला काम नहीं है अपना, है ब्रांड ही रखे दोगले ना, दोगले असी जानवर रखे ना, दोगले यार दोस्त रखे है, सप तो जिंदगी चो कटे दिते, पर चलो कोई नहीं, है एक दो बिच होर उन्ना करे है, जेडे है उन्होंने पता उन्होंने दिल से गल वजदी होनी इस टाइम है। क्या बाल्टी दे शूटर जी, ओ मित्रो इत उबल रहा पानी अज है, नहा लीए हूं घरेलू नुस्खा दिखाऊं, ये था खट्टा। तो वही खट्टे का रस लगाया पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे मतलब बैक में फिंसियाँ हुई थी ना हल्की हल्की सी, तो भाई ये घरेलू नुस्खे आप यूज़ किया करो, बाहर से ट्रीटमेंट मत लो, ये पहले के टाइम पे यही चीज़ें चलती थी। तो देखना अभी एक फोटो वीडियो मैं पहले डालूंगा जब फिंसियाँ हुई थी, अब 15-20 मिनट बाद देखना जब मैंने ये खट्टे का रस लगाया ना पूरी बॉडी पे, अब रिजल्ट देखना 10-15 मिनट के बाद सारी फिंसियाँ गायब हो जाएंगी भाई। तो ये अपने घर के घरेलू नुस्खे, आज मैंने फेस पे भी भाई वो लगाया खट्टे का रस, तो एक वीक में एक बार लगाओ, शैम्पू फेशियल कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, फेस वॉश कुछ यूज़ मत करो, ये खट्टा यूज़ करो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है आपको शैम्पू की, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको फेशियल की, फेस वॉश की, सैलूनों में जाने कोई ज़रूरत नहीं है भाई, इसका यूज़ करो खट्टे का जो घरेलू है अपने, और रिजल्ट देख लो, आज पहले दिन लगाया तो देखो लाल की सी चाहिए हल्की हल्की, बाकी भाई नज़र मत लगा देना बॉडी को, जो वो लगाया था ना खट्टे का रस, तो भाई 15 मिनट बाद रिजल्ट देख लो, ये देखो बैठ जो फिंसियाँ हुई थी वो सारी फिंसियाँ मतलब जल गई हैं ना, जल गई हैं, हाँ जी, तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है, ये आप मतलब एक दो दिन छोड़ के लगा सकते हो, बाकी जो मेरे भाई लोग इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो भाई मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना किस किस ने ये प्रोसेस ट्राई किया और किस किस को कितना फ़र्क पड़ा, शॉपों पर जाना छोड़ दो, सैलूनों में जाना छोड़ दो भाई, इन चीज़ों का यूज़ करो जो अपने घर की घरेलू है। अब नहा धो के हो गए रेडी भाई, आज किए थोड़े हेयर खड़े लग गए सिरे, कमेंट में बताओ यार, अब लग रहा तुम्हारा भाई ठीक जेंटलमैन बन गया तुम्हारा भाई, आज गेड़ी बज्जू चेतक ते, थोड़ा सा मार्केट च काम हैगा, काम कुम करिए, बाल ठीक लग रहे भरा हूँ, सही लग रहे, सैट आ गया काम, हाँ जी काम लोट पे अज है, साड़ी पंजाब पुलिस कहती आइसक्रीम खानी आइसक्रीम लैके आओ, चलिए मेरे वीरो देखो यहाँ पे चला हुआ रोड का काम, जो खड्डे हुए ना उनको भरा जा रहा है, आ गई ये है क्या कहते
आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम। चल भी चलते 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 व्लॉग अपलोड है अपना भाई, ये देखो सब्सक्राइब कर ले यार। फोर लाइन च लग गया जाम भाई, ट्रक वाले है ना भाई, एक बराबर गाड़ी चलाते, दो दो तरफ से गाड़ी है भाई, छोटी गाड़ी को तो जगह नहीं मिलती है। देखो डाल दे भाई, ओवरटेक डाल दिया यहाँ से। लो भाई डाल दिया, वाह मुझे बहुत खुशी है आपने आपने मेरी बात सुनी। घूमते घूमते पहुंच गए हम कैंची मोड़ टनल, ये वाले भाई ये रह गए, आए थे भाई और तक, सिर्फ और तक आए थे भाई। अमन जी पंजाब चल पड़े मेरे हिसाब से, इसको भी क्रॉस कर लेते हैं थोड़ा सा तो रहेगी। घर से भाई और तक आए थे, ये आ गई भाई टनल। बाकी वो रह गया बागशाल ब्रिज भाई, तो इसका अपडेट भी आपको दे देता हूँ। मैक्सिमम सारा ब्रिज ये तैयार है, अब लग नहीं रहा है भाई इस पे काम कुम चला हुआ है कहीं भी, मतलब गाड़ियां क्रॉस हो ही रही हैं। तो नया अपडेट देख लो, आज है तारीख 22 तारीख है, 22 तारीख का अपडेट देख लो भाई बागशाल ब्रिज का। और ये रहा फोर लेन का नज़ारा, दो पहाड़ों को चीर के बना दिया फोर लेन, देख रहे हो भाई। यहाँ पे तो ऐसा फील आता है कहीं मनाली वाली तरफ बंदा पहुँच गया, बट यहाँ से बिलासपुर एंटर होता है आगे बंदा जाके। वो रह गई भाई कैंची मोड़ वाली टनल, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। जिम जो लगा के हो गए फ्री। एक्चुअली मैंने भाई शोल्डर लगाया आज, तो ऐसे मैं वेट उठा रहा था, तो भाई वेट उठा नहीं एकदम से भाई, मेरा शोल्डर ऐसे बैठ गया नीचे, दर्द निकल गया भाई इसमें। हाँ जी भाई, मैंने ऐसे वेट लगा रहा था शोल्डर का, और भाई जैसे मैंने वेट उठाया, वेट था ज्यादा और मैंने ऐसे उठाया भाई, वो बाजू ऐसे वेट पकड़ा और ऐसे ही नीचे आ गई भाई, इंजरी होगी भाई, दर्द निकल रहा है इसमें कसम। जिम लगाना इतना आसान नहीं है भाई, सच्ची बात बताऊं भाई। अभी इस ब्लॉग को करना मैं यही एंड, अभी जा रहे हैं कहीं बाहर किसी काम से, काम बता नहीं सकते एक्चुअली में एक मीटिंग है भाई, वहाँ जा रहे हैं मीटिंग अटेंड करने। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आज के ब्लॉग में पता नहीं क्या ही रहा होगा, बट जो भी रहा है भाई अच्छा ही रहा है। बाकी सारे अपने भाई लोग निकल गए नीचे, मैं रह गया था पीछे। डायलॉग भाई अलग से अलग चल रहा है, बाकी खुश रहो जिंदगी में यार, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा रहो, जो बुरा है उसका बस हेल्प करो कि सबकी। ठीक है दीप जी, नहीं मैं निकल रहा हूँ साथ में, ये सब साथ निकल रहे हैं सारे, बिलासपुर।